यूपी के बरेली में एक युवक हनुमान के भेष में भीख मांगते हुए पकड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि वह युवक मुसलमान निकला। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल मुरादाबाद निवासी नसीम हनुमान के भेष में सुभाष नगर के अनुपम नगर में भीख मांग रहा था। संदिग्ध दिखने के बाद स्थानीय लोगों ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम बताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नसीम को देखकर लग रहा था कि वह हिंदू मोहल्ले के रेकी करने आया है। शिकायत के बाद सुभाष नगर पुलिस ने नसीम पर रूप बदलकर ठगी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान का अपमान होते हुए बात कहकर युवक को पकड़ा। उसके बाद उसका नाम नसीम बताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह हनुमान के भेष में कई बार चक्कर लगा चुका है, लेकिन इस बार संदिग्ध दिखने के पर पूछताछ की और उन्होंने पूरी कहानी बताई। PM News 24 की रिपोर्ट।